हेलो नमस्कार ब्रह्माचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। सभी को बड़ी घोषणा की है सरकार ने। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1.5 साल तक किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, जिसमें अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान है, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, और इनके नियमितीकरण के ऊपर काम चल रहा है। इनका भविष्य में नियमितीकरण भी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है नेशनल मीडिया का, जिनने सरकार से बात की है, मोहन यादव जी से, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे अपडेट पाने के लिए। अब 1.5 साल तक अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान नहीं निकाले जाएंगे, इसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्या कहना नेशनल मीडिया का, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। देश में आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक और भी उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो लगातार सरकार से नियमित होने की मांग कर रहे थे। 10 सूत्र भी लगातार इन कर्मचारियों के मुद्दे उठाता रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अलग अलग विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों और संविदा शिक्षकों को अगले 1.5 साल नियमित रखने का फैसला किया गया है। यानी 31 मार्च 2026 तक ये हजारों अस्थायी कर्मचारी अपने अपने पदों पर बने रहेंगे, इन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। दूसरी तरफ एक और बड़ा अपडेट जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी 10 सूत्र के पास है कि इन कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में भी सरकार सोच रही है। इसके लिए परीक्षा करवाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में पूर्व में जारी किए गए आदेशों का हवाला दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि अस्थायी पदों पर सेवाएं जारी रखने के संबंध में समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पिछले दिनों जारी किए गए आदेश को निरस्त करते हुए अगले 1 साल के लिए अस्थायी पदों पर कर्मचारियों की सेवाएं लगातार जारी रखी जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और बिजली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में भी परीक्षा करवा सकती है। ये परीक्षा 300 नंबरों की होगी और इन कर्मचारियों को कम से कम 150 नंबर लाना होगा। SC ST के लिए 10% की छूट रखी गई है, यानी उन्हें पास होने के लिए 50% नहीं बल्कि 40% नंबर लाना होगा। कोई भी सीधी भर्ती होती है तो संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे और जो कर्मचारी परीक्षा पास करेगा वो हमेशा के लिए नियमित हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है जो मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द ले सकती है। और अगर आप भी अस्थायी कर्मचारी हैं और परमानेंट होने का सपना देख रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए।